हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। सो दोस्तों, आज हमारे सामने ऑल न्यू रेनॉल्ट्स ट्राइवर 2024 एंड अगर वेरिएंट की बात करें दोस्तों, तो ये है आपका RXZ वेरिएंट। सो ये अभी आप सिंगल टोन वेरिएंट देख रहे हैं दोस्तों, इसी में आपको ड्यूअल टोन वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है RXZ में। एंड ये बिल्कुल दोस्तों आपका 2024 का न्यूली लॉन्च वेरिएंट है। सो अगर दोस्तों की बात करें तो देखिए, कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, जो कि आपकी कार्ड वाली की है, दोनों की आपको देखती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन एंड यहाँ देखिए लाइट के बटन देखने को मिल जाते हैं। सो अगर दोस्तों बात करें तो ये रहने वाला आपका 7-सीटर वेरिएंट एंड देखने में कार काफ़ी अच्छे आपके लुक्स मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 8.22 लाख रुपीज़ इसका एक्स शोरूम है एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 9.20 लाख रुपीज़ दोस्तों ये आपको कंप्लीट कार पड़ जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे इस कार का कंप्लीट वॉक अराउंड एंड जानेंगे कि आपको इसमें क्या क्या कंपनी नए फीचर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सो पहले हम दोस्तों फ्रंट से बात करेंगे। फ्रंट में दोस्तों आपको 1745 mm की लगभग चौड़ाई देखने को मिलती है एंड लाइट सेटअप की बात करते हैं, यानी हेडलाइट सेटअप की, तो आपको प्रोजेक्टर मिलता है, कॉर्निंग लैंप्स आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं एंड टर्न सिग्नल की बात करें तो वो आपको हैलोजन बेस देखने को मिलेगा। नीचे देखिए आपको फॉग लैंप देखने को मिलता है एंड ये आपके काम करेंगे DRLs की तरह, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रोम के फिनिश देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करें ग्रिल की तो आपको देखिए मैट ब्लैक प्लस क्रोम फिनिश के साथ आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया है। एंड लोअर स्क्रीन प्लेट आपको मिलती है सिल्वर फिनिश में। बाकी 182 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है, तो नॉर्मल से आपको वाइपर मिलेंगे, ऑटो रेंसिंग वाइपर आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। लेंथ की बात करें तो लगभग 4 मीटर की दोस्तों आपको कार देखने को मिल जाती है एंड 2636 mm का इसमें आपको व्हील बेस भी मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर सेफ्टी फीचर की बात करें, जो कंपनी ने इसमें नए सेफ्टी फीचर ऐड किए हैं उनकी लिस्ट में साइड में लगा दूंगा, आप उन्हें देख लेना, ठीक। एंड टायर साइज़ की बात करें तो ये आपका लगभग टॉप वेरिएंट है, तो इसमें आपको 185/65 R15 का टायर साइज देखने को मिलता है। इसमें देखिए दोस्तों ये आपके नॉर्मल स्टेबल रिम के साथ ये फ्लैक्स व्हील आपको देखने को मिलते हैं एंड व्हील कैप भी आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको कंपनी डिस्प्ले ऑफर करती है जो कि आपकी वेंटिलेटेड है एंड AC में दोस्तों आपको मतलब ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। पीछे बात करें तो नॉर्मल आपको ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। साइड लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। यह है दोस्तों इसके साइड मिरर जो कि आपके ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिलते हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर एंड ये आपके रहेंगे ऑटो फोल्डेबल प्लस रहते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, यानी इन्हें आप अंदर बटन के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको रूर प्रेस मिल जाती है। फ्रंट में आपको नॉर्मल सा एंटीना मिल जाएगा एंड डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। बैक से बात करें तो 1643 mm की इसमें आपको हाइट देखने को मिल जाती है एंड साइड में आएंगे तो ये दोस्तों उसका फ्यूल लीड एंड टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर की दोस्तों इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। साथ ही नए अपडेट आपको क्या मिलते हैं, देखो रेनॉल्ट्स का लोगो मिलेगा, ड्राइवर की बैजिंग, कैमरा आपको मिलता है, ठीक है। एंड 3 पार्किंग सेंसर कंपनी ऑफर करती है, साथ में ही जो लोअर बम्पर है कुछ स्टेप से आपको देखने को मिलेगा सिल्वर फिनिश के साथ। वाइपर मिलेगा, डिफॉगर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लाइट, वॉशर मिल जाता है एंड जो टेल लाइट यूनिट मिलती है वो आपको प्योर हैलोजन बेस्ड देखने को मिलेगी। और बूट स्पेस की बात करें, बटन दिया गया है, कुछ इस टाइप से ओपन होता है एंड पीछे दोस्तों देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया आपको मैनेजमेंट देखने को मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो 82 लीटर का दोस्तों आपको बूट स्पेस कंपनी ऑफर करती है। साथ में आप इन्हें देखिए, पीछे आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, 2 हेडरेस्ट हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक। सीट को फोल्ड कर दोगे कुछ इस टाइप से, सीट फोल्ड हो जाती है आपकी। पीछे आपको यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है और सिर्फ यही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। बाकी दोस्तों अगर आप दोनों सीट फोल्ड करते हो तो ऑलमोस्ट 450 या 450 लीटर की इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ व्यूज टाइप से आने वाला है डैशबोर्ड का। एंड रियर पैसेंजर की बात करें तो ऊपर देखिए आप AC वेंट की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर आपको फिक्स ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाएंगे। सो दोस्तों इतना ही आपको मिल जाता है इसके बूट में, चलिए बंद करते। सो पीछे वाले दोस्तों अगर डोर पैनल की बात करें तो जो डोर हैंडल आते हैं क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएंगे एंड ये इसका डोर पैनल देखिए बेज एंड ब्लैक कलर में आपको मिलने वाला है, ठीक है। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलता है, क्वालिटी की बात करें काफ़ी अच्छा है। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, यानी स्पीकर में है। बाकी बॉटल स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल्स, चाइल्ड लॉक एंड यह है इसका इंटीरियर। सीट की बात करें तो आपको देखिए जो स्टेप पैटर्न में आपको सीट देखने को मिलती है, तो एक बार कार के अंदर बैठते हैं तो ठीक है। एंड ये दोस्तों आता है इसका डैशबोर्ड का व्यू, कुछ इस टाइप से आने वाला है, काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक। ऊपर दोस्तों बात करें रूफ़ की तो वो देखिए यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, फिक्स ग्रैब हैंडल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। रियर में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, कूलिंग कंपार्टमेंट मिलता है एंड नी रूम की बात करें काफ़ी बढ़िया नी रूम है। थाई सपोर्ट दोस्तों आपको ठीक ठाक सा देखने को मिल जाएगा।
साथ ही यहाँ पर देखिए एसी वेंट की प्लेसमेंट आपको साइड प्लेट्स में दोनों साइड देखने को मिल जाती हैं, एंड सीट बेल्ट दोस्तों आपकी फिक्स है यानी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम सीट की बात करेंगे तो आपको 60-40 में स्प्लिट मिल जाती है सीट, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, दो हेडरेस्ट मिलते हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस टाइप से आपके एडजस्ट होंगे। बाकी दोस्तों इसमें आपको आइसोफिक्स सीट चाइल्ड माउंट देखने को नहीं मिलती, बट तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो दोस्तों इस ड्राइवर की अगर आपको लास्ट रो पे एक्सेस करना है थर्ड रो पे, तो आप किस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं, पहले सीट बेल्ट को हटा देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है, इसको इस टाइप से फोल्ड करके तो ये आपकी सीट कंप्लीट टंबल्ड होगी। देखिए कुछ किस टाइप से टंबल्ड होती है, एंड इतना स्पेस आपके पास रहता है अंदर जाने के लिए। सो पीछे दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ 60-40 में स्प्लिट आपको सीट नहीं मिलती है, 50-50 में स्प्लिट मिलेगी, दो एडजस्ट मिलते हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, एंड ईजिली पीछे बच्चे दोस्तों आराम से बैठते हैं। चलिए एक बार बैठ के भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बैठ चुका हूँ अभी, एंड थाई सपोर्ट दोस्तों थोड़ा सा कम है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, बच्चे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ों के बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। बाकी कुछ इस टाइप से इसमें आपको व्यू मिलता है, देखिए एसी वेंट की प्लेसमेंट आपको देखने को जरूर मिल जाती है। पीछे यहाँ पर बात करें कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलने वाला आपको रेनॉल्ट ड्राइवर का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड व्यू, आपको दोस्तों कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यह है दोस्तों इसके ड्राइवर साइड डोर का, देखिए क्या बोलते हैं इसको, डोर पैनल, एंड ड्यूअल टोन का मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलता है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। नीचे स्पीकर मिलता है, बोतल स्पेस मिलेगी, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड ड्राइवर साइड बात करें तो यहाँ लिखा है ऑटो, यानी ऑटो आप ऑटो डाउन है, मिरर साइड करने के कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल्स, इतना ही कुछ आपको लेआउट मिलेगा। बाकी सीट आपको मिल जाती है दोस्तों हाइट एडजस्टेबल, यहाँ से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल वेरियंट रहने वाला है। बात करें सीट क्वालिटी की तो ये दोस्तों क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको सीट्स की देखने को मिल जाती हैं, एंड आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी। सो कुछ स्टेप से मिलता है इसका इंटीरियर, अब चलते हैं कार के अंदर एंड वहीं बैठ कर सारी बात करते हैं। सो दोस्तों ये है आपकी न्यू रेनॉल्ट्स 2024 RXZ का इंटीरियर, जो कि दोस्तों आपका रहेगा ड्यूअल टोन का, एंड काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो देखिए आपको लेदरेट तो नहीं मिलता, बट ये वाले पार्ट आपको मिलता है दोस्तों सिल्वर फिनिश के साथ, एंड इससे लोअर वेरिएंट रहेंगे तो उसमें अभी आपको मिल जाएगा दोस्तों पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में आपको रेनॉल्ट्स का लोगो। लेफ्ट साइड की बात करें यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते, यहाँ पर आपको नॉर्मल ट्रिम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्टीयरिंग देखिए क्या क्या मिलता है, एडजस्टमेंट आपको देखिए टेलीस्कोपिक टिल्ट तो देखने को दोस्तों नहीं मिलने वाला, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ मिलते हैं आपको लाइट्स के कंट्रोल, इधर मिलते हैं आपको वाइपर कंट्रोल, एंड ये है दोस्तों इसका न्यू क्लस्टर, जो कि दोस्तों कुछ इस टाइप से वर्क करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अपन से कर देते हैं बंद, ठीक, एंड ओपन करेंगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप से ऑन होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दोस्तों इसमें आपको जो डिजिटल क्लस्टर मिलता है वो आपको मिलेगा 7 इंच का, जो कि दोस्तों नया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, प्रॉपर काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। मतलब पहले की बात करें ड्राइवर से तो काफ़ी अच्छा आपको उसमें फील आने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से आप एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं एंड क्या दिखा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको ट्रिप ए आ गया, ठीक है, TPM मीटर वगैरह, यहाँ पर आपको सर्विस इंटरवल्स वगैरह, एंड बाकी सारी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है काफ़ी अच्छी तरीके से। ऊपर बात करें तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ आपको जरूर मिल जाता है, साथ ही यहाँ पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है। देखिए ये वाला आपको मिलता है सिल्वर सटेन फिनिश में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप दोस्तों इससे एक लोअर वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश में एसी वेंट की प्लेसमेंट, एंड जो उसमें आपको टच स्क्रीन मिलेगी वो आपको मिलती है 8 इंच की टच स्क्रीन, जो कि दोस्तों आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। बाकी आपको डिफॉगर मिल जाता है बैक के लिए, वाया हजार्ड डोर लॉक करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड एसी में आपको मैनुअल मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, नीचे वायरलेस चार्जर आपको जरूर देखने को मिलेगा, एंड एक USB चार्जिंग पोर्ट एक ऑक्स का। बाकी ये रहेगा आपका 5-speed मैनुअल वेरिएंट, तो 2 कप ग्लास होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक, एंड बात करें तो देखिए कूलिंग कंपार्टमेंट भी आपको मिल जाएगा। नॉर्मल से आपको दोस्तों मिलता है रियर व्यू मिरर, वाइट लाइट्स मिल जाती हैं, सनराइजर वारंटी मिरर नहीं है, सनराइजर वारंटी मिलर है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी फिक्स ग्रैब हैंडल्स। सो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से मिलता है आपको उसका इंटीरियर एंड डैशबोर्ड, एंड इसमें आपको मिलते हैं 4 स्पीकर प्लस 2 लीटर का सेट। साथ ही दोस्तों ये कार आती है आपकी ग्लोबल एंड कैप में 4-star सेफ्टी के साथ, एंड इसमें आपको तमाम सेफ्टी फीचर नए ऐड किए गए। सो कैसा लगा आपको उसका डैशबोर्ड एंड इंटीरियर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस ऑल न्यू रेनॉल्ट्स ड्राइवर 2024 में जो आपको इंजन मिलता है वो आपको 1 L 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, एंड पावर फिगर की बात करें 71 BHP एंड 96 NM का टॉर्क ये कार आपको प्रोड्यूस करके देती है। बाकी माइलेज कंपनी इसमें 16-17 का क्लेम करती है।
सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट वर्कराउंड ऑफ ऑल न्यू रेनॉल्ट्स ट्राइवर एंड वेरिएंट रहेगा आपका RXZ सिंगल टोन के साथ। इसी में आपको दोस्तों ड्यूअल टोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।